नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर इतिहास के श्रृंखलाबद्ध अध्ययन के अंतर्गत आज प्राकैतिहासिक काल और प्राकैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में पूरा प्राकैतिहासिक काल किसको कहते हैं ये बताएं, फिर भी संक्षिप्त रूप में प्राकैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं, लिखित सामग्री का पूर्ण अभाव है। इसका मतलब है कि मानव उस समय लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उस समय का इतिहास पुरातत्व की सहायता से पढ़ा जाता है। और पुरातत्व क्या है, पुरातत्व सामग्री का इतिहास में क्या महत्व है, उसका भी पूर्व के वीडियो में जानकारी दी गई। प्राकैतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण युग की सभ्यताएं, पाषाण यानी पत्थर, और पाषाण युग की सभ्यता को तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। प्रथम पुरापाषाण युग की सभ्यता, द्वितीय मध्य पाषाण युग की सभ्यता, और तृतीय नवपाषाण युग की सभ्यता। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पुरापाषाण युग की सभ्यता, यानी पाषाण युग का ये सबसे प्राचीन सभ्यता है और मानव जीवन का भी सबसे प्राचीन। मानव जीवन का सबसे लंबा इतिहास पुरापाषाण काल के अंतर्गत, और इस इतिहास के काल को समही सही कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना तो निश्चित रूप से बताया जा सकता है ये मानव इतिहास का पहला काल, और यह काल वास्तव में आधुनिक मानव का नहीं है, बानर मानव का काल। वैसे बानर जो मानव के जैसा दिखते थे उन्हीं को बानर मानव कहा जाता है, और बानर मानव का बहुत सारा अवशेष प्राप्त, और ये अवशेष जिस स्थान जिस देश से प्राप्त हुआ है उसी स्थान के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया। जैसे रामापिथिक्स, ये सबसे प्राचीन बानर मानव, जाबा है ये इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है, क्रोमैग्नन है, नियंडरथाल है जर्मनी से प्राप्त हुआ है, तो बहुत सारा बानर मानव के अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ बानर मानव चार पैर पर भी चलते थे और कुछ आधुनिक उन्नत हो गए तो दो पैर पर भी चलने लगे। भले ही ये मानव जीवन का सबसे लंबा काल रहा हो पुरापाषाण, लेकिन मानव सभ्यता में इस काल की बहुत कम देर है। अब इस समय का जो पुरापाषाण काल का जो अवशेष प्राप्त हुआ है, स्थल प्राप्त हुआ है, वो भारत में भी कुछ जगहों से मिला है। जैसे दक्षिण भारत में कर्नाटक के बेल्लारी से मिला हुआ है,
और बिहार में भी मुंगेर जिला की पहाड़ियों से इसका अवशेष है, तमिलनाडु से भी इसका अवशेष, यानी कुछ स्थल भारत में भी पुरापाषाण काल का बन मिला हुआ है, और दुनिया के अन्य देशों में भी इनका स्थल प्राप्त है। पुरापाषाण काल से प्रतियोगिता परीक्षा में सीमित प्रश्न आता है, जो पुरापाषाण काल है इस काल के बानर मानव की जो विशेषताएं थी, जो उनका क्रियाकलाप था, ये बहुत संक्षिप्त है। अब इस युग की विशेषताओं में देखिए, पहला, इस युग के बानर मानव खाद्यान्न संग्राहक, भोजन संग्राहक थे या अनाज संग्राहक, यानी कि ये लोग खाद्यान्न को संग्रह करके रखते थे, जमा करके रखते थे, इकट्ठा करके रखते थे, क्योंकि ये लोग खाद्यान्न उत्पादन करने की कला से परिचित नहीं थे, और खाद्यान्न के अंतर्गत जंगलों में कंदमूल फल फूल इसको तोड़ के ये इकट्ठा करते थे, जंगली जानवरों को मार करके उनके मांस को इकट्ठा करते, इसलिए इनको खाद्यान्न संग्राहक कहा जाता है। दूसरा, ये घुमक्कर थे। घुमक्कर का मतलब हुआ कि ये लोगों का अस्थाई निवास नहीं था, इधर से उधर, यहां से वहां ये खाद्यान्न के तलाश में, भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, और आज भी कुछ है मानव जो इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा, एक प्रजातियां हैं जिसको हम लोग आम भाषा में गुलगुलबा कहते हैं, ये जगह जगह आपको टेंट तंबू बना करके रहते हुए मिलेंगे, फिर कल दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर अगले जगह चले जाएंगे। तो ये घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। तीसरा, ये आग से अपरिचित थे। आग से अपरिचित होने के कारण इनको मांस सहित सारा भोजन कच्चा खाना पड़ता, कच्चा भोजन और उसके में मांस भी। ये आग से अपरिचित होने के कारण इनको मांस भी कच्चा खाना, और आग सिर्फ भोजन को पकाने में ही इस्तेमाल नहीं होता, जंगली जानवरों से सुरक्षा भी आग करता, इसीलिए ये जंगली जानवरों के खतरों के बीच में निवास करते। और चौथा, ये कंदरा यानी गुफाओं में निवास करते थे। ये गुफाओं में निवास करते थे, बहुत सारा गुफा की बरामदगी हुई है, यानी कि
पहाड़ों की कंदरा, पहाड़ों में कंदरा बना करके, या कुछ नेचुरल कंदरा भी था जहां ये निवास करते थे। साथ में ये नग्न रहते थे, नग्न रहते थे इसका मतलब है कि इनमें लज्जा की भावना नहीं थी, ये शरीर को नहीं ढकते। जब तक लज्जा की भावना मन में ना हो तब तक शरीर को ढका नहीं जाता। जैसे बच्चा को देखिए, जब तक उनमें लज्जा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तब तक वो नग्न रहते, और जैसे ही लज्जा की भावना आई वो शरीर को ढकना शुरू कर देते। और आज भी देखिए, कोई भी जानवर हो, यहां तक कि बानर हो, वो नग्न है क्योंकि उनमें लज्जा की भावना नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। इसीलिए ये लोग नग्न रहते। तो ये जो पाषाण युग की सभ्यता है, पूरा पाषाण, इसका संक्षिप्त उपलब्धियां हैं मानव इतिहास में। और इसके अलावे इन लोगों का जो औजार था, हथियार था, वो बहुत बड़ा होता था, बेडौल होता था, भद्दा होता था। नतीजा ये लोग तेज दौड़ने वाले और बड़े जानवरों का शिकार करने में असमर्थ। हालांकि इनका शिकार ही आर्थिक क्रिया का मुख्य आधार था, यानी ये लोग आखेटक थे। छह नंबर पॉइंट में जाएं तो ये आखेटक थे, यानी शिकार के द्वारा ये अपने जीवन को चलाते थे। ये छह महत्वपूर्ण पुरापाषाण युग के बानर मानव की विशेषताएं। नतीजा मानव सभ्यता को ये बहुत कम प्रभावित कर सका, और करता भी कैसे, ये आधुनिक मानव थे ही नहीं, इनमें इतनी ज्ञान बुद्धि थी ही नहीं। इसीलिए इनकी उपलब्धियां सीमित रह गई, और जब उपलब्धियां सीमित है तो प्रतियोगिता परीक्षा में इनका प्रतिशत भी कम, बहुत कम प्रश्न आता। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर प्रसारित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।